कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए जहां शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, वहीं कोरोना से लड़ाई में अपनी भूमिका निभाते हुए विभिन्न संस्थाएं भी टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने एवं उनका टीकाकरण कराने के लिए आगे आ रही है। इसी क्रम में सोमवार को धर्मनगरी वृंदावन में निर्मल अखाड़ा एवं सेवा भारती के संयुक्त तत्वावधान में हरि निकुंज चौराहा स्थित आश्रम परिसर में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में संतों सहित अन्य लोगों ने टीकाकरण के प्रति उत्साह दिखाते हुए टीका लगवाई। मेरा नाम सुनील है, मैं सेवा भारती का विभाग संगठन मंत्री हूँ और पूरे मथुरा में कोविड-19 की जो कोवैक्सीन लग रही है और उसकी जगह जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करवाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी तक मथुरा में 3 जगह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो गया है। आज ये वृंदावन में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है। अभी तक 20 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और निरंतर लोग आ रहे हैं और हम लोग भी फ़ोन करके जिनको वैक्सीन नहीं लगी ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। पूरे मथुरा में अभी राया, बलदेव, माठ सभी खंडों में हम लोग जाकर जहाँ पे अभी जागरूकता का अभाव है ऐसे लोगों को जागरूक, पहले हम लोग 1-2 दिन जाके वहाँ जागरूक करते हैं, फिर वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं, फिर स्वास्थ्य विभाग मथुरा के सहयोग से और स्थानीय संतों के और समाज सेवियों के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा किया जाता है। जितने से ज़्यादा लोग कोरोना वैक्सीन लगाएंगे उतने से ज़्यादा हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आज पूरे देश में जैसे कोरोना महामारी चल रही है उसको मध्य में रखते हुए सेवा भारती ने जो कदम उठाए हैं, जगह जगह पर वैक्सीन के शिविर लगा करके लोगों की जानें भी बचाई जा रही हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और आज श्री हरि निकुंज आश्रम बांके बिहारी कॉलोनी में आज यहां सेवा भारती के सहयोग से और सजन्य से पंचायती अखाड़ा निर्मला की साथ में अध्यक्षता में आज वैक्सीन कैंप लगा और काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया और हम आगे भी आशा करते हैं ऐसे ही सेवा भारती ऐसे काम करती रहे और समाज के लिए, समाज के अग्रणी रहे और समाज के प्रति ऐसी भावना को सशक्त नमन।